तो अभी आइसक्रीम डाल दिया आपने, ये कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है? ये ड्राई फ्रूट वाला, ड्राई फ्रूट वाली क्या? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। शुरुआत से शुरू करते हैं और आज फिर एक यूनिक टॉपिक को कवर करते हैं। तो कैसे हैं सारे, बढ़िया? तो गाइज, आज हम फिर से औरंगाबाद स्ट्रीट फूड पार्ट टू को कवर करने वाले हैं। एंड आज मैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे डिलीशियस फूड दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। लास्ट टाइम हमने स्ट्रीट फूड पार्ट वन कवर किया है, उसका वीडियो भी अगर आपको देखना है तो आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी, जाकर आप लोग देख सकते हो। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गोल देने वाला हूँ, आपको इस वीडियो को 2000 प्लस लाइक्स एंड 250 प्लस कमेंट्स करने ही करने हैं। मुझे देखना है कि औरंगाबाद की पब्लिक मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है। आज मैं जिन भी प्लेसेस को कवर करने वाला हूँ उनका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको उनकी प्राइस भी बता दूंगा। जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम है अखिलेश राठौड़। मैं ऐसे ही ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाते रहता हूँ, फूड व्लॉग्स बनाते रहता हूँ। मैंने ऑलरेडी औरंगाबाद की बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस को कवर कर लिया है, कि जो भी वीडियोस की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में उनकी लिंक सारी होगी प्लेलिस्ट की। मैं अभी कुछ दिन पहले पुणे भी गया था, वहाँ के भी मैंने वीडियोस बनाए, तो आपको वो वीडियोस देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज, अभी निकलते हैं फटाफट हमारी फर्स्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ आज के हमारी फर्स्ट फूड प्लेस पर। तो ये प्लेस कहाँ पर है, ये रहा मेरे पीछे SB कॉलेज, इसी के अपोजिट में आपको मिलेगा औरंगाबाद का अन्ना का डोसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इसकी टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड इसकी प्राइस कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अन्ना के डोसा पर। तो अन्ना, अभी कब से कर रहे हो? अभी 18 साल हो गए भैया। 18 साल हो गए क्या तुमको? और इसका प्राइस पहले आपने कितना रखा था स्टार्टिंग? 5 रुपए। 5 रुपए से यहाँ पर, यही पर स्टार्ट किया था क्या? इसी जगह पर। तो अन्ना, आपके पास क्या क्या मिलता है, मतलब डोसे में वैरायटीज क्या है? ओनली वन डोसा, मतलब मसाला डोसा और सादा डोसा। सादा डोसा बस। उनकी प्राइस कितनी? अभी सादा डोसा 25 का है, मसाला 30 का है। मसाला 30 का। उसमें आप क्या क्या डालते हो, मतलब अभी दिख रहा है मुझे, मसाला है, प्याज है? मसाला, प्याज, चटनी। चटनी सांभर नहीं देते हो? आपकी चटनी बहुत ही ज्यादा स्पेशल है यहाँ की, है ना? तो अभी मैं ट्राई करता हूँ एक डोसा आपका, एंड मैं टेस्ट बताता हूँ हमारे व्यूअर्स को कि कैसे आती है। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो, ये रहा हमारा डोसा जिसकी प्राइस है 30 रुपीज़, मसाला डोसा। उसके साथ आपको मिलता है प्याज एंड मिलती है एक चटनी, जो कि चटनी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आपको सांभर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप ये चटनी खाओगे। तो गाइज, अभी मैं ट्राई करता हूँ इस डोसा को एंड आपको टेस्ट बोलता हूँ। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर की स्टफिंग कितनी अच्छी है। इसमें आलू का मसाला रहता है एंड ये रही अपनी चटनी खोबरे की। सच में गाइस, आपको औरंगाबाद में ऐसा डोसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा एंड इसकी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है। साथ में आपको प्याज भी मिलता है। तो अभी फटाफट मैं इसको खाता हूँ एंड आपको मिलता हूँ। गाइस, ये भी अन्ना की शॉप है, गणेश मसाला डोसा नाम से। तो यहाँ पर आप लोग बैठकर भी खा सकते हो। जिन लोगों को मेरे जैसा खड़े होकर फटाफट खाना है तो वो लोग यहाँ पर भी खड़े रहकर खा सकते हैं। तो गाइज, अभी हमारी फर्स्ट प्लेस तो कवर हो चुकी है। अन्ना का डोसा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अगर आप वहाँ पर जाओगे ना, आप एक बार ट्राई करोगे, आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है। उसके बाद आकर ज़रूर वीडियो पर कमेंट करना कि ये जगह सच में अच्छी थी या नहीं। तो अभी हम जा रहे हैं हमारी सेकंड प्लेस पर, जहाँ पर मिलते हैं छोले भटूरे। जो अन्ना का डोसा हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया वो SB कॉलेज के पास था, एंड जो आज की हमारी सेकंड प्लेस है वो निराला बाज़ार में है। तो गाइज, ये रहा निराला बाज़ार। यहाँ से जो रोड पैटन गेट की ओर जाता है उस रोड पर आपको आना है, और आपको यहीं पर मिल जाएगा माउली नाश्ता सेंटर। आप लोग आगे देख सकते हो।
तो गाइज आपको यहाँ पर छोले भटूरे, पूरी भाजी एंड पुलाव और राइस भी मिलेगा और उनकी प्राइस बस 25 रुपए। एंड अभी हमने छोले भटूरे ऑर्डर किए है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे है छोले भटूरे। तो गाइज मैंने छोले भटूरे ऑर्डर किए थे तो आप लोग देख सकते हो दो भटूरे आए हैं एंड ये रही छोले की सब्जी, उसी के साथ आपको मिलेंगे पापड़। तो अभी फटाफट मैं टेस्ट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ टेस्ट कैसी है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया भटूरा है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ एंड आपको बताता हूँ टेस्ट कैसी है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्ट है गाइज और 25 रुपये में आपको इतना ज़्यादा अच्छा खाने को मिल रहा है। उसके साथ आपको पापड़ भी मिलेगा, साथ ही में अगर आपको आचार चाहिए तो यहाँ पर आचार भी है। तो अभी फटाफट मैं इस डिश को कंप्लीट करता हूँ एंड फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइज आज के इस वीडियो में मेरे साथ अभिजीत आया है। तो अभी हमारी जो थर्ड प्लेस है वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं। तो गाइज और एक बात, मैंने अभी एक सोलो ट्रिप प्लान करी है बजट में, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपको कहीं पर ट्रैवल करना है, आपका बजट अगर लो है तो कैसे ट्रैवल किया जा सकता है। एंड इस बार मैं सोलो ट्रैवल करने वाला हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है गाइज। एंड ये सोलो ट्रैवलिंग अभी मेरे थोड़े दिनों में ही स्टार्ट होने वाली है, इस वीडियो के बाद ही आपको शायद वो वीडियोज़ भी देखने को मिल जाएंगे। आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको पता ही चल जाएगा मैं कहाँ पर जाने वाला हूँ, तो उसके लिए भी रेडी हो जाना। तो गाइज जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक गोल दिया है, इस वीडियो को 2000+ लाइक होने ही चाहिए। तो गाइज फटाफट जाकर लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो। एंड जो लोग इस चैनल पर न्यू आए तो जाकर प्लीज सब्सक्राइब कर देना गाइज, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो गाइज आज की हमारी थर्ड प्लेस है तुलजा भवानी नाश्ता सेंटर जो कि टीवी सेंटर में। तो अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं। तो भैया आपके पास मतलब नाश्ते में क्या क्या मिलता है? अपने पास वड़ा पाव, ब्रेड भजे, ब्रेड वड़ा, पटाटा भजे, कांदा भजे, समोसा, मिसल पाव, पूरी भाजी। अच्छा मतलब बहुत सारी डिशेज है आपके पास। और भजे पाव की प्राइस कितनी है? भजे पाव की 25 है। और उसके साथ मतलब उसे कड़ी पकौड़े के नाम से भी जाना जाता है ना? अच्छा मैं अभी लेता हूँ फिर, एक बनाओ आप गर्मा गर्म। तो गाइज जिस चीज़ को मैं इतने देर से कड़ी बोल रहा था वो कड़ी नहीं है, ये चटनी है गाइज, खोबरे की चटनी है जिसके साथ आपको पकोड़े मिलते हैं एंड पाव भी मिलते हैं। तो इसका टोटल कॉस्ट है 25 रुपीज़। तो अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ एंड आपको बोलता हूँ टेस्ट कैसी है। तो गाइज यहाँ पर हमारी डिश लग चुकी है, आप लोग देख सकते हो ये रहे पकोड़े गर्मा गर्म एंड उसके साथ है खोबरे की चटनी, जिसे मैं इतने देर से कड़ी पकोड़ा बोल रहा था वो खोबरे की चटनी है गाइज। एंड उसके साथ आपको पकोड़े मिलते हैं, ये रही गर्मा गर्म मिर्ची मतलब तली हुई मिर्ची एंड उसके साथ है पाव। तो अभी मैं टेस्ट करता हूँ, मुझे पाव के साथ खाने में इतना अच्छा नहीं लगता बिकॉज मैं यहाँ पर बहुत सालों पहले आया था, तब से मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। तो अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ। गाइस गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्याज है तो प्याज ज़्यादा होने से इसकी टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड ये जो खोबरे की चटनी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो आप लोग भी यहाँ पर आकर ट्राई कर सकते हो। तो अभी फटाफट इसको खाता हूँ एंड फिर आपको मिलता हूँ। तो गाइज आज की हमारी फोर्थ प्लेस है क्लेराज बर्गर कॉर्नर, जहाँ पर बहुत अच्छा बर्गर भी मिलता है एंड सैंडविच भी मिलता है। तो मैंने अभी सैंडविच के लिए ऑर्डर दे दिए, तो देखते हैं उसका टेस्ट कैसे आता है। तो गाइज ये रहा वेलनेस फॉरएवर, तो उसी के बाजू में आपको क्लेराज बर्गर कॉर्नर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों भी वैरायटी में सैंडविच एंड बर्गर मिल सकता है। तो आपको अभी देखना है कि आपको क्या खाना है, तो मैंने अभी वेज में ही ऑर्डर किया है। तो गाइज मैंने पनीर टिक्का ग्रिल सैंडविच ऑर्डर किया था, तो अभी फटाफट आप इसके सिनेमैटिक शॉट्स देख लो।
गाइज, ये पूरा एरिया निराला बाजार, यहाँ पर आपको बहुत सारी खाने पीने की शॉप्स मिल जाएगी। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, इसके आगे आप लोग देख सकते हो फालूदा की भी गाड़ी है, उसके आगे शेवगांव कचौरी भी है, एंड उसी के आगे हमने छोले भटूरे भी ट्राई किए थे। तो गाइज, ये रहा हमारा पनीर टिक्का ग्रिल सैंडविच। तो अभी इसको मैं टेस्ट करता हूँ एंड आपको टेस्ट बताता हूँ। तो गाइज, आप लोग देख सकते हो चीज़ की कितनी अच्छी ज़्यादा स्टफिंग की है एंड बीच में पनीर भी है। तो अभी खाते हैं इसको और ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। पनीर का टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है एंड पूरे निराला बाजार में गाइज आपको यहीं पर सबसे अच्छा बर्गर एंड सैंडविच मिलेगा। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हो। इसकी कॉस्ट बस 70 रुपीज़ है, बट आप चीज़ देख सकते हो, चीज़ से ही पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं, बीच में उसके पनीर भी है। तो अभी फटाफट इसको खाता हो एंड फिर आपको मिलता हो। तो गाइज, ये भी उनका ही स्टॉल है, यहाँ पर आपको प्योर वेज मिलेगा एंड वहाँ पर आपको वेज एंड नॉन वेज दोनों भी मिल सकता है। तो ये भी कहाँ पर है, डोमिनोज हो रहा है वहाँ पर निराला बाजार का, उसी के अपोजिट में आपको देखने को मिल जाएगा, घुंघरू के बाजू में। तो गाइज, अभी तक हमने 4 places को कवर कर लिया है, तो अभी हमारी लास्ट प्लेस रह चुकी है। तो अभी मैं ट्राई करने वाला हूँ कुछ स्वीट में खाने के लिए, तो अभी जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या मिलता है। तो अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अभी फटाफट मैं जाता हूँ एंड देखता हूँ। तो गाइज, अभी मैं आ चुका हूँ मेरी लास्ट प्लेस पर। तो जहाँ पर मैं आया उसका नाम है सिद्धेश्वर आइसक्रीम एंड कुल्फी। तो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिलता है, एक बार भैया से पूछ लेते हैं। तो भैया, आपके पास मतलब क्या क्या मिलेगा अपने को खाने के लिए? आइसक्रीम, कुल्फी, लिक्विड आइटम जैसे रबड़ी फालूदा है, रबड़ी है, बादाम शेक है, अंजीर शेक है, काजू शेक, फ्रूट सलाद, ड्राई फ्रूट लस्सी। तो आपका स्पेशल क्या है सबसे ज्यादा? रबड़ी फालूदा। रबड़ी फालूदा क्या? तो एक मेरे लिए बना दो रबड़ी फालूदा एंड मुझे दिखाओ कि आप कैसे बनाते हो, क्या क्या डालते हो उसमें। ये क्या डाल रहे हो भैया आप? रबड़ी। रबड़ी है क्या? ये क्या डाला भैया अभी? सब्जा। सब्जा क्या? ये सेवैया। अच्छा, क्या? रोज। रोज मतलब ये फ्लेवर है क्या? ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डाले क्या उसमें? क्या क्या ड्राई फ्रूट में, कौन से ड्राई फ्रूट है? बादाम है, काजू है। अच्छा, बादाम काजू दोनों भी। और ये चेरी जेली। जेली के? तो बन गया, अभी रेडी हो गया फालूदा? नहीं, चलो अभी है प्रोसेस में। तो अभी ये आइसक्रीम डाल दिया आपने, ये कौन से फ्लेवर की आइसक्रीम है? ये ड्राई फ्रूट वाला। ड्राई फ्रूट वाली क्या? मतलब इसको पी भी सकते हैं और खा भी सकते हैं? दोनों है। दोनों भी है। ये चेरी डाली अभी आपने? हाँ। ये गुलकंद है। ये क्या डाल रहे हो भैया आप? ये चॉकलेट क्रश है। चॉकलेट क्रश क्या? तो गाइस, हमारा रबड़ी फालूदा बनकर तैयार हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है दिखने में। अभी मैं इसको ट्राई करता हूँ एंड आपको बताता हूँ टेस्ट कैसी है। एंड प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा कुछ कुछ डाला है भैया ने। एंड प्राइस 70 रुपीज है ना इसके? अच्छा। तो गाइज, अगर आपको इस प्लेस पर आना है तो ये प्लेस है चेतक घोड़ा के पास उल्का नगरी में। तो यहाँ पर हर रोज भैया गाड़ी लगाते। भैया, टाइमिंग क्या आपकी लगाने की? टाइमिंग 12:30 से रात को 8 बजे तक। मतलब 12:30 से रात को 8 बजे तक आप यहाँ पर ही रहते हो। तो गाइज, जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट स्ट्रीट फूड पार्ट को अच्छा रिस्पांस दिया था, वैसे इसको भी देना। एंड जो मैंने आपको टारगेट दिया है 2000+ लाइक, 250+ कमेंट्स का, उसे प्लीज़ पूरा करना। इस वीडियो को भी अच्छे से अच्छा रिस्पांस देना, जिससे कि औरंगाबाद स्ट्रीट फूड पार्ट 2 का वीडियो भी हमारा रैंक करे एंड सब लोगों को पता चले कि औरंगाबाद का फूड कितना ज़्यादा बढ़िया है। तो आप लोग भी इन प्लेसेस पर जा सकते हो, इनकी जो भी एड्रेस है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप लोग जरूर चेक करना। तो गाइज, अभी मेरी एक न्यू सीरीज भी आने वाली ट्रैवलिंग की, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बजट ट्रैवलिंग ट्रिप।
तो उसे भी प्लीज़ देखना, इसी वीडियो के बाद आपको देखने को मिलेगी। एंड वो ट्रिप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली, बहुत लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं बट उनको पता नहीं कि कैसे प्लान करें ट्रिप। तो मैं ट्रिप प्लान करने वाला हूँ बजट में, एंड आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कि कैसे हमारी ट्रिप अच्छी होने वाली, तो उसके लिए भी रेडी हो जाना। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाकर आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो मिलूंगा जल्दी मैं आपको एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, be happy।